गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक को रखा जाएगा तब क्या इफेक्ट आएगा, इस बात को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। तो इतने टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोगों को धीरे धीरे एनालाइज करना है, पढ़ना है। तो पहले तो हम लोग आते हैं, देखिए स्टूडेंट डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये जो डाइइलेक्ट्रिक हैं ये क्या होते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब जैसे कि इंसुलेटर होते हैं, मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है और इसमें फ्री चार्ज भी नहीं होते हैं, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक क्या है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। डाइइलेक्ट्रिक They are non-conducting substance. ये जो होते हैं ये non-conducting substances हैं। They are non-conducting substances. And ये जो है non-conducting substances होते हैं और इनके साथ क्या होता है, And they have no free electrons. जैसे conductor में free electron होते हैं वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं हम लोग। अगर ये आप नोट कर लिए हो, नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट जैसे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक सब्सटेंस है उसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रैंडमाइज मूव कर रहे हैं, सब इधर उधर हैं। हम उसको इस तरीके से बना दें, हम उसको एक इस तरीके से बना दें कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे हो जाए, निगेटिव चार्ज एक जगह पे, तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, मतलब पोलराइज कर देना चार्ज को एक अलग अलग, मतलब कि दो अलग अलग पोल पे फिक्स कर देना। फिक्स तो नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग पोल पे हम उसको इकट्ठा कर दें, एकत्रित कर दें, ऐसे समझ सकते हैं, ये है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इन सब में होगा, कैसे होगा, मतलब कि नीचे वाले टॉपिक में होगा। तो पोलराइजेशन के बारे में हम अभी आपको इसका डेफिनेशन कुछ नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि इसके डेफिनेशन के बारे में कुछ नहीं आता है, इसका कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे नीचे यूज होता है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग ई नॉट से लिख देते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई नॉट से लिखा देते हैं। स्टूडेंट आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं चार्ज, जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव की तरफ मूव करेंगे, मतलब वो इस तरीके से मूव करेंगे, ये ऐसे होगा स्टूडेंट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या हुए, अब ये इसे कहते हैं पोलराइजेशन। पहले तो सब रैंडम थे,
अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये निगेटिव चार्ज इधर चले गए और पॉजिटिव चार्ज इधर। तो अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा ये, और इसको नाम दे देते हैं ई इंड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल था वो था ई नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये दोनों इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस ई नॉट। करने का मतलब क्या है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है लेकिन वो जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस प्लस ई नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E नेट की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस बातों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए यही वाला टॉपिक हम पढ़ाए हैं, कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ई नॉट, ठीक है, जब इसको रखा जाता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। An electric field is induced inside the conductor E induced. The value of E induced is equal to E naught. जो E इंड्यूस की वैल्यू है वो E नॉट के इक्वल है। अगर वो E नॉट के इक्वल है तो क्या होगा, दे आर कैंसिल्ड ईच अदर, ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तब क्या होगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर इज जीरो, यही कारण है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखा जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है कंडक्टर के अंदर, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के बराबर होता है। ये कैंसिल हो जाते हैं और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि जब कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब क्या हो। ठीक है, तो ये टॉपिक था और इसका ये डेफिनेशन था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आते हैं डाई इलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। ये कंडक्टर है, ये फिगर के नीचे लिख लीजिएगा, इस फिगर के नीचे लिख लीजिएगा कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तब क्या होगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल अभी बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए अगर ये हो गया हो तो आगे की बात करते हैं। अब हमारा जो ये है ये अब ये नहीं रह जाएगा, अब हमारा हो जाएगा डाइइलेक्ट्रिक। अब क्या है कि जब डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तब क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, जब एक एक्सटर्नल फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक को रखा जाएगा तो क्या होगा, हमको इस बात को पढ़ना है, इस बात को समझना है। देखिए स्टूडेंट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अगर एक एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टर की जगह पे अपन डाइइलेक्ट्रिक को रख दे रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक में जो डाइइलेक्ट्रिक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करने का मतलब खींचता है, फिर उसको रीओरिएंट करता है। रीओरिएंट करने का मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट या उसी के डायरेक्शन में उसको लाता है। फिर से सुनिएगा कि जो डाइइलेक्ट्रिक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो रैंडम होते हैं, उसमें मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं। इसमें क्या थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री थे, रैंडम थे, तो उनको हम लोगों ने सही कर दिया। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि जैसे ये जो है आपका ये इसमें मॉलिक्यूल फ्री नहीं होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल फ्री हो तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, तो पहले उनकी स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग के बाद रीओरिएंटेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से फोर्स का काम किया ना, जब उसने स्ट्रेच किया, उसने रीओरिएंट किया तो एक फोर्स का काम किया, तो उसका कुछ भाग चला गया स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटेशन करने में, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो जो है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का बचा हुआ पार्ट है उसने क्या किया कि चार्ज को पोलराइज किया। पहले क्या था, ना स्ट्रेचिंग थी ना रीओरिएंटेशन था, टोटल का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता था चार्ज को पोलराइज करने में। जब चार्ज पोलराइज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता था वो एक्सटर्नल के बराबर था। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल गई, यहाँ पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल है पहले उसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होंगे, तो पहले उनको स्ट्रेच करना है, फिर रीओरिएंट करना है, रीओरिएंट करने के बाद क्या करना है उन्हें, रीओरिएंट करने के बाद उसको फिर हमें मतलब हमें नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को उसको फिर पोलराइज करना है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फील्ड से कम होती है। तो ये क्या होता है इसमें कि ये केवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिड्यूस करता है, न कि पूरी तरीके से कैंसिल कर देता है जैसे कि उसमें कैंसिल हो गया। ये केवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को केवल रिड्यूस करता है, न कि पूरी तरीके से कैंसिल कर देता है। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए ये देखिए दूसरा इस पे चल रहे हैं हम लोग ना, डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक, व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेच्ड एंड रीओरिएंटेड, जो मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं, रीओरिएंटेड होते हैं बाय, किसके द्वारा होते हैं, बाय एक्सटर्नल फील्ड। So the value of
जो इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड, जो इसमें इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इज स्मॉलर देन, किससे कम होती है, स्मॉलर देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये देखिए हो गया आपका ई नॉट की वैल्यू इधर है, इसको थोड़ा सा छोटा बनाओ, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर तो पढ़े ही होगे, जिसका लंबा टेल होता है वो मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जिसका छोटा टेल होता है उसका छोटू टेल मतलब मैग्नीट्यूड कम, लंबू टेल मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो देखिए ई नॉट इज नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, ठीक है, तो E नॉट प्लस E इंड्यूस की वैल्यू जो है वो नेवर बी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये इक्वल नहीं होगा, देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट कैंसिल द एक्सटर्नल फील्ड, ये जो है एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल नहीं करता है, ये बात हो गई। ये हम डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पढ़ाया है ना, उसमें जो दो पैरेलल प्लेट थे उसके बीच में एयर था, हम लोग डाइइलेक्ट्रिक करेंगे तब क्या होगा, इस बात को पढ़ना है, और इस बात को पढ़ने के लिए पहले इसको समझना है। आप बुक देखेंगे तो बुक में क्या है कि पहले डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन है, मैं भी चाहता तो वैसे ही पढ़ाता, लेकिन मैं सोचा कि पहले उसको पढ़ लीजिए आप लोग, फिर इसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये है आपका कि जब किसी डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो जो मॉलिक्यूल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, रीओरियंट होते हैं, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम्प्लीटली कैंसिल नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद अब आगे की बात है क्या जानते हैं, तो ये दोनों टॉपिक तो क्लियर समझ में आ गया होगा हम उम्मीद करते हैं, नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए। स्टूडेंट हमारा केवल एक एम है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आप घर में बैठिए, हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास अवेलेबल होगा, जो हमसे पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ने में इंटरेस्ट लाते होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसको अभी रेज कर देते हैं, देखिए पोलर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर की बात किया जाए पहले, देखिए पोलर मॉलिक्यूल हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करता है, कोइंसाइड ना करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूरी पे रहेगा, निगेटिव चार्ज थोड़ा दूरी पे रहेगा, दोनों पोल बनाएंगे, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, तो इसको हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। जैसे HCl, ये HCl है, ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव, सॉरी डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो है उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, पोलर मॉलिक्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं, ये आपके समझने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि द मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, लाइक HCl
H2O ठीक है, ये हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके बाद है स्टूडेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड करता है, जैसे H2O2Cl2 ठीक है। आपके फिजिक्स की बुक में भी ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, द मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ईच अदर। इसमें देखिए क्या आ जाएगा एग्जांपल में, H2Cl2O2 ये ऐसे रहेगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग इसकी बात करेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।